Hello guys, welcome back to the channel Sakshi Rajat. So today's video is very different. I have not really done these videos before on this channel. So जैसे आपने title में पढ़ लिया है, आज का video होने वाला है एक plant haul. मैंने बहुत सारे लोगों को hauls करते हुए देखा है, कपड़ों का, home decor का. तो but I don't really go out shopping that often. तो मैंने सोचा मैं बहुत सारे plants खरीद के लाई थी और मैंने सोचा क्यों नहीं मैं एक प्लांट हॉल शेयर करूं, हो सकता है वो आप लोग को इंटरेस्ट करे. तो जो लोग सोच रहे हैं कि प्लांट्स को कैसे ग्रो करना स्टार्ट किया जाए, पहला या दूसरा प्लांट लेना जा रहे हैं अपना, तो उनके लिए इट विल बी अ यूजफुल एंड फन एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो. ओके, अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट एनी प्रो एट ग्रोइंग प्लांट्स येट. इनफैक्ट मैंने प्लांट्स खरीदना और उनका ध्यान रखना शुरू किया जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था. आई एक्चुअली बिकेम अ प्लांट पेरेंट इन द लॉकडाउन एंड नाउ आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ प्लांट्स. सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं प्लांट्स ग्रो करना. बट टू बी ऑन द सेफ साइड, आई स्टिल बाय ओनली दोज प्लांट्स जिनमें लो मेंटेनेंस लगता है, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है, बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग निटी ग्रिटीज ऑफ ग्रोइंग प्लांट. कौन से प्लांट में कितना पानी डालना है, कौन से प्लांट में कैसी सॉइल पड़ती है, कौन से प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत है, कौन से प्लांट को डिफ्यूज सनलाइट की जरूरत है. तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, पर मैं अभी भी बेसिक प्लांट्स लेके आई हूँ इस बार भी. अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लोग भी इनमें से कुछ प्लांट्स ले सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो बी अ प्लांट पेरेंट. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से प्लांट्स लेके आई हूँ. तो शुरू करते हैं एक ऐसे प्लांट से जो इनडोर्स और आउटडोर्स दोनों जगह रखा जा सकता है. एक्चुअली मैं जानबूझ के ऐसे प्लांट्स लेके आई हूँ जिनको मैं आउटडोर और इनडोर दोनों जगह रख सकती हूँ. तो सबसे पहले बताती हूँ आपको इस प्लांट के बारे में. इसे कहते हैं क्रोटॉन. ये इनडोर आउटडोर दोनों के लिए परफेक्ट है और मॉडरेटली मॉइस्ट रखा जाता है. इसे बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखा जाता क्योंकि उससे उसकी लीव्स खराब हो जाती है. तो बस ये चेक करना होता है कि कब सॉइल ड्राई होने लगी और बस तभी इसे वाटर किया जाता है. दूसरी बात, इसे इसके साइज से थोड़े से बड़े पॉट में रखना चाहिए क्योंकि इसका जो टॉप है वो हैवी होता जाता है और बॉटम एक पतली सी डंडी है. ये मैंने इसे एक ब्यूटीफुल सेरामिक पॉट में रखा है और ये सेरामिक पॉट्स भी मैं कल ही लेके आई थी. ओके, सो नेक्स्ट प्लांट इज सिजीगियम. इसको लिली पिली प्लांट भी कहते हैं. इसकी भी यही करेक्टरिस्टिक है कि इसको ओवर वाटर नहीं करना चाहिए. कम, थोड़े से कम पानी में तो ये सर्वाइव कर लेता है, बट अगर ओवर वाटर्ड हुआ तो ये मर जाएगा. इसको भी थोड़े से बड़े पॉट में रखना चाहिए बिकॉज द टॉप गेट्स डेंसर. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उसकी ये है कि अगर आप इसे थोड़ी कम सनलाइट में रखोगे तो सारी लीव्स ग्रीन हो जाएंगी, बट अगर सनलाइट में रखोगे तो ये ऐसे कलर्ड लीव्स दिखती हैं. प्रिटी राइट? मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्लांट और मैंने इसको अनदर ब्यूटीफुल सेरामिक पॉट में रखा है. ओके, अनदर ब्यूटीफुल प्लांट, इट्स अ सक्यूलेंट. मेरे घर में कोई भी सक्यूलेंट नहीं था पहले, तो मेरा बहुत मन था एक सक्यूलेंट लेने का. दिस इज वन सक्यूलेंट, इट इज कॉल्ड लेस अलोई. इसकी करेक्टरिस्टिक यही है कि ये ब्यूटिफिकेशन के लिए रखा जाता है. ये कभी भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, पर इसमें फ्लावर्स आते हैं. ऐसा हमें जिनसे हम प्लांट लाए हैं, जिस नर्सरी से, उन्होंने बताया इसमें प्लांट्स, इसमें फ्लावर्स आते हैं. इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इनडोर प्लांट है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी ये है कि हमेशा जब भी आप पानी डालोगे इसमें, हमेशा बॉटम में पानी डालना है, कभी भी लीव्स के ऊपर नहीं डालना है क्योंकि उससे लीव्स रॉट हो जाती हैं एंड द प्लांट कैन डाई. सो इट्स अ ब्यूटिफुल सक्यूलेंट. तो अनदर ब्यूटिफुल प्लांट इज दिस जेड प्लांट जो काफ़ी पॉपुलर है. इसे गुड लक प्लांट भी कहते हैं. इसको जब प्लांट छोटा हो तो इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए और थोड़ा बड़ा हो जाए तो 3-4 घंटे से ज़्यादा सनलाइट इसको देने की ज़रूरत नहीं है. इट्स अगेन एन इनडोर प्लांट एंड ज़्यादा पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है. जब 1-2 इंच ड्राई लगे तभी इसमें पानी डालना है. सो परफेक्ट, ईजी टू मेनटेन. अगला प्लांट है ये जिसका नाम है ग्रैप्टोफाइलम पिक्टम. इसको कैरिकेचर प्लांट भी कहते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे कटिंग से प्रोपोगेट किया जा सकता है. सो यू डोंट रियली नीड टू बाय. अगर आप एक देखें तो उसकी कटिंग लेके उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं. इसमें भी सॉइल मॉइस्ट रखनी होती है, ओवर वाटर नहीं करना होता है प्लांट को. एंड दिस विल ग्रो इनडोर्स एंड आउटडोर्स बोथ. अभी मैंने एक बहुत छोटे से पॉट में पॉट किया बिकॉज द प्लांट इज रियली स्मॉल, बट एज इट विल स्टार्ट ग्रोइंग आई विल ट्रांसफर इट टू अ बिगर पॉट. और तो और ये प्लांट बहुत जल्दी बड़ा होता है, सो आई एम श्योर आई विल हैव टू ट्रांसफर इट टू अ बिगर पॉट. बट या प्रिटी कलर, इट कम्स इन टू कलर, मजेंटा एंड ग्रीन. आई पिक्ड अप द मजेंटा कलर. वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट्स, इसे कॉमनली चॉकलेट सिंगोनियम कहते हैं और इसे एरो हेड प्लांट भी कहते हैं. ये बिल्कुल नॉर्मल सिंगोनियम जैसा ग्रो करता है, फास्ट ग्रोथ होती है इसकी
इसको भी ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं है और सॉइल भी मॉइस्ट रखनी होती है, मतलब ओवर वाटर नहीं करना, एवरेज लाइट चाहिए होती है, तो सनलाइट की कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लांट। और इसे चॉकलेट सिंगोनियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लीव ग्रीनिश एंड ब्राउनिश कलर की हैं, तो स्लाइट टिंज ऑफ चॉकलेट, एंड ऑल्सो इट हैज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लीव। ये भी मैंने एक सिरामिक पॉट में प्लांट किया है, बहुत ही सुंदर सिरामिक पॉट्स मुझे मिले और बहुत अच्छी डील मिली। So if you're in Bangalore, I'll let you know the place. Okay, so the next plant is this beautiful heartleaf philodendron. इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको मारना ज़्यादा difficult है इसको जिंदा रखने से, which means ये बहुत basic requirements में भी अच्छा चल जाता है, sunlight नहीं है तो भी कोई problem नहीं है, in fact direct sunlight में से नहीं रखना चाहिए और कम से कम सनलाइट में भी चल जाता है, अगर आप एक दो दिन पानी देना भूल भी जाते हैं तो भी चल जाता है, क्योंकि बस बहुत माइल्डली मॉइस्ट सॉइल चाहिए होती है इसको। टेंशन नहीं है कि आप पानी देना भूल गए हैं या फिर बाहर चले गए हैं, इसको ऐसे ही रखते। अच्छा, एक टिप जो मुझे पता चली जब मैं रिसर्च करी थी इसके बारे में, वो ये है कि अगर इनकी लीव येलो हो जाए इसका मतलब आपने ज़्यादा पानी दे दिया है, तो ज़्यादा पानी तो बिल्कुल भी नहीं देना है इस प्लांट को, और अगर ब्राउन हो रही है मतलब आप बिल्कुल ही पानी देना भूल रहे हैं, दिस इज योर नॉर्मल मनी प्लांट काइंड ऑफ अ थिंग। इनफैक्ट शायद मैं इसे मनी प्लांट ही रेफर करूंगी आगे से, इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू कॉल देम बाय देयर बायोलॉजिकल नेम्स। ओके, द नेक्स्ट ब्यूटीफुल प्लांट इज दिस वन, इट्स कॉल्ड पेपरोनिया क्लूसीफोलिया, इट्स ऑल्सो कॉल्ड रेड एज्ड रेडिएटर प्लांट। तो ये एक इनडोर प्लांट है, इसको आउटडोर भी रख सकते हैं और इसको डायरेक्ट सनलाइट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ये सिर्फ 6 से 7 इंच तक ही बड़ा होता है, सो इट्स अ परफेक्ट इंडोर प्लांट, आराम से रख सकते हैं, सनलाइट की जरूरत नहीं है, पानी भी बहुत एवरेजली मॉइस्ट सॉइल चाहिए इसे, तो या ब्यूटीफुल प्लांट अगेन। दिस इज माय अनदर फेवरेट प्लांट, सो दिस इज कॉल्ड कैलाइफा विल्केसियाना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉपर लीफ प्लांट। ओके, for the ease of the pronunciation of these difficult biological terms, let's call it a copperleaf plant. बहुत सुंदर प्लांट है ये, इसका कलर extremely pretty है और ये best perform करता है जब भी direct sunlight में रखा जाए, इसका जो color है, जो gradients है, ये best तब दिखाई देंगे जब भी direct sunlight में होगा, कम sunlight में भी चल जाएगा but best performance होगी जब ये डायरेक्ट सनलाइट में होगा। ये काफी बड़ा हो जाता है, 6 to 10 feet तक की हाइट ले लेता है, ये काफी ऑर्नामेंटल प्लांट है, काफी सारे अपार्टमेंट्स और काफी सारे कॉर्पोरेट कैंपस वगैरह में भी ये प्लांट दिखाई देता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू कीप इट इन द डबल साइज पॉट, जितना इसका रूट का बॉल है उसके डबल साइज में रखना है। अभी के लिए मैंने इसे छोटे सिरेमिक पॉट में रखा हुआ है, बट आई विल सून ट्रांसफर इट, एंड इट ऑल्सो नीड्स अ गुड ड्रेनेज पॉट, जिसका ड्रेनेज अच्छा हो सो दैट इट डज नॉट हैव एक्सेस वाटर एट एनी पॉइंट इन टाइम। सो या, दिस इज अ ब्यूटिफुल कॉपरलीफ प्लांट। और एक सुंदर प्लांट है ये, इसे कहते हैं स्यूडो रैंथिमम। मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे ये पता चला कि इसको बहुत ज़्यादा हाइट तक ले जाने की जरूरत नहीं है, एंड इट ग्रोज रियली रियली फास्ट, तो बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं जाना चाहिए, उसके पहले ही इसके कटिंग्स निकाल के प्लांट कर सकते हैं साइड में या और कोई पॉट में, या फिर अगर ओपन ग्राउंड है वहाँ पे। अगेन इट्स एन ऑर्नामेंटल प्लांट, तो काफ़ी सारी जगहों पे लैंडस्केपिंग के लिए प्लांट यूज होता है। इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इसको डिफ्यूज सनलाइट में दिस वर्क्स द बेस्ट, एंड पॉट भी डबल साइज ऑफ द प्लांट होना चाहिए। मेरा प्लांट बहुत छोटा है, आई थिंक द पॉट इज ऑफ सफिशिएंट साइज, सो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट एनी टाइम सून, एंड दिस ऑल्सो नीड्स मॉइस्ट सॉइल, एंड आई बॉट इट फॉर द डबल शेड ऑफ ग्रीन, देयर इज दिस डार्क ग्रीन एंड द लाइट ग्रीन शेड व्हिच आई रियली रियली लाइक, सो आई पिक्ड दिस। ओके, मीट दी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोगनवेलिया, अभी तक इसमें फ्लावर्स आए नहीं है बिकॉज मैं अभी लेके आई हूँ और ये बहुत छोटा प्लांट है अभी, इट्स अ ब्यूटीफुल क्रीपर, तो मैंने एकदम साइड में रख दिया, आई रियली वॉन्ट इट टू लाइक क्लाइम थ्रू द रेलिंग एंड द नेट, एंड इसमें बहुत सुंदर फ्लावर्स आएंगे आई एम श्योर। और माइल्ड विंटर्स वाले एरियाज में दिस प्लांट वर्क्स दी बेस्ट, एंड इट डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस, आपने देखा होगा कितनी बार रोड साइड्स में इट ग्रोज ऑन इट्स ओन, so I'm hoping it really grows on its own। पूरा वीडियो मैंने इंग्लिश में बना दिया, मुझे पता नहीं क्यों, बट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट प्लांट्स, एंड ये लॉकडाउन ने मुझे कुछ दिया हो ना दिया हो, आई हैव बिकम अ रियली प्राउड पेरेंट, और मेरा एक भी प्लांट नहीं मरा ऑल दिस टाइम, जबकि जब मैं ट्रैवल कर रही होती थी तो मेरे
प्लांट्स हमेशा मर जाते थे. ओके लेट्स टॉक अबाउट डहलिया. इट्स नॉट इन इट्स बेस्ट फॉर्म राइट नाउ बिकॉज इट्स अ सीजनल प्लांट एंड ये मिड समर से ऑटम तक ब्लूम करता है. इट्स स्टिल ब्लूमिंग और इट लव्स सन एंड वाटर. तो आराम से जेनरसली वाटर कर सकते हैं इस प्लांट को. एटलीस्ट 3-4 टाइम्स अ वीक वी शुड वाटर दिस प्लांट एंड आई होप इट सर्वाइव्स टिल द नेक्स्ट सीजन. आई एम रियली होपफुल. रजत वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्लांट तो मैंने सोचा एक डहलिया तो ले लेते हैं. थोड़ा सा रिस्क है, मुझे नहीं पता कि ये सर्वाइव करेगा या नहीं. अगर आपके पास कोई टिप है जिससे मैं विंटर्स में आई मेक श्योर दैट दिस सर्वाइव्स नाइसली तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड आई लव दिस पिंक कलर सो मच. ओके नीड दिस प्लांट. इट्स कॉल्ड टी प्लांट. इट्स नॉट टी ई ए, इट्स टी आई प्लांट एंड इसका पिंक कलर बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है. आई थिंक इट्स अगेन एन ऑर्नामेंटल प्लांट जो बहुत सारे लैंडस्केपिंग जगहों पर मैंने यूज होता हुआ देखा है. एंड द प्रो टिप आई गॉट फ्रॉम द गार्डनर एट द नर्सरी इज कि अगर आप चाहते हो उसका पिंक कलर ऐसे इंटैक्ट है तो मेक श्योर दिस प्लांट गेट्स इनफ लाइट. दिस वर्क्स बेस्ट इन सफिशेंट लाइट एंड इट यूजली डाइज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लाइट. सो प्लीज मेक श्योर दैट ये अच्छे से लाइट में रहे. इट्स अनदर ट्रॉपिकल प्लांट एंड इसमें पानी देने के लिए ये टिप है कि इसमें आप पूरा पानी दे दो. जब तक ड्रेनेज हो से पानी आने ना लगे तब तक आप इसे वाटर करो. नॉट टू ऑफन बट जब तक इसकी सॉइल मॉइस्ट है तब तक. जैसे ही ड्राई हो तब आप वाटर करो बट वाटर इट कम्प्लीटली एंड फुली. सो दिस इज ब्यूटिफुल टी प्लांट. दिस इज द लास्ट प्लांट ऑफ द एंटायर कलेक्शन विच आई बॉट एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉबेलैंथस क्रिस्पा. बहुत डिफिकल्ट नाम है, मुझे नहीं पता इसका कॉमन नाम क्या है. प्लीज आपको पता है तो मुझे कॉमेंट्स में बताना. बट आई रियली रियली लव दिस प्लांट एंड इसको भी सफिशिएंट सनलाइट चाहिए होती है. नॉट टू मच नॉट टू लेस. और इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं मेरे को पता चला. एंड इट ऑल्सो टेक्स मॉडरेट वाटर एंड इट लुक्स रियली रियली ब्यूटिफुल. ईजी टू ग्रो, लो मेंटेनेंस एंड दिस इज गोइंग टू गो इनडोर्स. सो गेट दिस ब्यूटिफुल सिरामिक प्लांट व्हिच आई गॉट व्हिच इज मैचिंग माय हाउस का इंटीरियर. Okay, I think I miss this beautiful plant. It's called Acalypha. It's another Acalypha. Exactly, तो मुझे नहीं पता है इसका exact और common नाम क्या है. But इसकी leaves इतने सुंदर color के हैं. और ये color तभी तक रहेगा जब तक हम इसे full sunlight में रखेंगे. तो इसीलिए pro tip कि आप इसे indoors भी रख सकते हैं. But make sure that it gets enough sunlight. ये भी easily काफी height तक grow हो जाता है. So make sure when it grows, you change the pot. And it looks nice. And don't miss that Erica palm plant which I have. I've got two of these. One in my living room and another I'm thinking I'll put in my studio or in my bedroom. I'm still figuring that out. So yeah, these were around 15 plants which I bought from, more than 15 plants which I bought from a nursery which is near Bangalore Airport. And I got all of these in just, can you guess the price? Okay, pause and guess the price in comments and I will tell you how much it has cost. Okay, no more surprises. All these plants came in just 1000 rupees. So, quite a steal deal. It's just that airport ke paas hai, so thoda drive karke bahar jana padta hai. But when you get so many plants in such a good price, it's so, so worth it. वैसे तो अभी तक मैं सारे प्लांट्स हमेशा कटिंग से प्रोपगेट करती थी. एक ग्रुप है फेसबुक पे टी साइकिल बैंगलोर, तो वहाँ से मैंने बहुत सारे प्लांट्स लिए थे लॉकडाउन में जो मैंने प्रोपगेट किए और ग्रो किए अपने बालकनी में और इंडोर भी. बट आई रियली रियली वॉन्ट टू एक्सपैंड दिस लिटिल गार्डन ऑफ माइंड, इसीलिए हम लोग ने ये ट्रिप किया. इनफैक्ट सारे सिरेमिक पॉट्स भी हमने रास्ते में ही एक जगह जो मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी आपको, आप वहाँ से ले सकते हो. मैं नर्सरी का नाम भी आपको देने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट डिस्क्रिप्शन. एंड या बाय द वे डिड यू नोटिस द मैरीगोल्ड? आई ग्रू इट फ्रॉम सीड्स एंड इट्स बीन डूइंग सो सो वेल. इनफैक्ट मेरे पास और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कैमरे के उस साइड रखे हुए हैं. तो अगर आपको देखना है मेरा एक स्मॉल बालकनी टूर तो मुझे प्लीज कॉमेंट्स में बताना. या फिर अगर आप जानना चाहते हो मेरे पास और कौन कौन से प्लांट्स हैं तो प्लीज प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताना. एंड I will see you again in the next video. Bye.